स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। उड़ीसा के कटक में घारोई बस कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन। कटक बादाम बड़ी रास्ते के ऊपर कटक मोटर कर्मचारी यूनियन के द्वारा शांतिपूर्ण प्रतिवाद का आयोजन किया गया। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और बसों के मालिक भी उपस्थित थे। इनकी मांग थी 12,000 वेतन, 6 माह का वेतन और बाध्यता मूलक बीमा। इस कार्यक्रम में यूनियन के साधारण संपादक शिशिर कुमार लिंका, सह संपादक हीरालाल पंडा, उप सभापति बद्री नारायण दास, सीआईटीयू कटक जिले के सभापति रवि नारायण के नेतृत्व में इसमें गगन पारिदा, गिरीश खिल्लार, बादल साहू आदि उपस्थित थे। कटक संवाददाता लक्ष्मीधर बेहरा की रिपोर्ट। तो मैंने बहुत କିନ୍ତୁ ଅଛି କି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଭୋକ ପାଟି ପଡ଼ି ପାରୁନି, ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ March 22 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲ୍ପର ପ୍ରତିବର୍ଷରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନର ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ଉପରେ